कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन जन सरोकार में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण हेडलाइंस। आयुष्मान योजना के तहत इलाज खर्च की लिमिट हुई दोगुनी, फरवरी में आने वाले अंतरिम बजट में हो सकती है घोषणा। पटना में दो युवक मिले कोरोना से संक्रमित, सैंपलों की कराई जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग। एम्स दिल्ली में एमबीबीएस स्कोर के आधार पर होगा सिलेक्शन, जाने क्या है योग्यता। डीयू के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को मिलेगा पास होने का एक और मौका, ग्रेस मार्क के तौर पर मिलेंगे 10 अंक। मेट्रो का काम जिन इलाकों में हुआ पूरा वहां से जल्द हटेगी बैरिकेडिंग, यातायात को सुगम बनाने के मिले निर्देश। अब खबरें विस्तार में। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के विस्तार की तैयारी कर रही है, यह दो तरीके से किया जाएगा। जी हां, पहला इस योजना के तहत इलाज के लिए मिलने वाली मदद राशि जो कि 5 लाख है उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। वही दूसरा इस योजना के दायरे में उन 40 करोड़ लोगों को भी शामिल किया जा सकता है जिनके पास अभी हेल्थ बीमा नहीं है। बता दें कि अभी आयुष्मान योजना के तहत कुल 7 करोड़ लोग यानी कि 12 करोड़ परिवार को रखने का लक्ष्य निर्धारित है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसको लेकर संसदीय समिति ने सिफारिश दी है कि केंद्र सरकार इलाज खर्च बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करे। इसे देखते हुए सरकार फरवरी में पेश होने वाले अंतरिम बजट के विजन दस्तावेज में बड़ी घोषणा कर सकती है। बता दें कि देश के आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनते हैं। आयुष्मान योजना की जब समीक्षा की गई तो इस बात की जानकारी सामने आई कि कई मामलों में 5 लाख रुपए काफी नहीं है, इसलिए इस राशि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। पटना में गुरुवार को कोरोना के 2 मरीज मिले हैं, एक मरीज पटना का तो दूसरा बांका जिले का रहने वाला है। एक की ट्रेवल हिस्ट्री केरल की है तो वही दूसरे की असम की। युवकों की उम्र की बात करें तो एक 25 साल का है, दूसरा 29 साल का। एक मरीज साइनस की सर्जरी कराने बिहटा स्थित ईएसआई अस्पताल आया था तो दूसरा आईजीआईएमएस में इलाज कराने पहुंचा था। लक्षण मिलने पर दोनों की कोरोना की जांच कराई गई, दोनों में कोरोना की पुष्टि भी हो गई है। इसकी पुष्टि स्टेट सर्वेलांस ऑफिसर डॉक्टर रंजीत कुमार ने की। अब इनके सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चल पाएगा कि दोनों नए वेरिएंट GN1 से पीड़ित है या फिर इनमें कोरोना का कोई अन्य वेरिएंट मौजूद है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने जनवरी 2024 के लिए जूनियर रेजिडेंट की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए उम्मीदवारों को MBBS, BDS के साथ साथ इंटर्नशिप या फिर MCI, DCI द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री पास होना चाहिए। जूनियर रेजिडेंट्स के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन MBBS परीक्षा स्कोर के आधार पर किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सारी सुविधाओं को मिलने के बाद भी परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और मौका मिलेगा। जी हां, उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर एग्जाम क्लियर करने का मौका मिलेगा। DU ने यह तय किया है कि ऐसे कैंडिडेट्स को 10 अंक ग्रेस मार्क्स के रूप में दिए जाएंगे, इससे वो फाइनली ग्रेजुएशन की अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं और परीक्षा में फेल होने से बच सकते हैं। बता दें कि इस बारे में DU का कहना है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी खास विषय में फेल हो गए हैं और उससे पास करने के लिए मिलने वाली सारी सुविधाओं का भी फायदा उठा चुके हैं लेकिन फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो उन्हें एक विषय के लिए 10 अंक दिए जाएंगे ताकि उनकी डिग्री बीच में ना रुके। पटना के जिन इलाकों में मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा हो गया है वहां से बैरिकेडिंग हटेगी। आपको बता दें कि गुरुवार को निरीक्षण के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सलाहकार सह विशेष कार्य पदाधिकारी दलजीत सिंह ने निर्माण स्थलों के समानांतर संकरे मार्गों से अतिक्रमण हटाने और यातायात को सुगम बनाने का निर्देश दिया है। वहीं गांधी मैदान, PMCH, आकाशवाणी, सगुना मोड़, दानापुर, रुकनपुरा और पाटलिपुत्र मेट्रो स्टेशन के निर्माण स्थलों के निरीक्षण के दौरान काम में तेजी लाने और रास्तों में बदलाव वाले स्थानों पर पैदल यात्रियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि निर्माण स्थल पर समुचित साइनेज लगाने, रोशनी की व्यवस्था करने और अनावश्यक बाधाओं को हटाने की बात भी कही गई है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल TV बिहार। धन्यवाद।